हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर नंबर थर्ड ट्रिगोनोमेट्री। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने प्रीवियस क्लास 10th में पढ़ा था, देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट। थीटा तो हमारा एंगल होता है, साइन कोस टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये हमारे सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो किसके इक्वल होते हैं वो हमने प्रीवियस 10th क्लास में पढ़ लिया है। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इनका अलजेब्रा पढ़ेंगे, इनकी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज के साथ साथ हम इनके ग्राफ पढ़ेंगे और इनके बेस के ऊपर इनकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में इसको कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है, इनके साथ आप लोगों ने एक एंगल लगा देखा होगा, ठीक है, थीटा, कभी एक्स भी लगा सकते हैं हम, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेक थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा, ये सब थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर एंगल है। और एंगल क्या होता है, एंगल होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन की अमाउंट कहां से कहां तक, इनिशियल लाइन से लेकर फाइनल लाइन तक। इनिशियल लाइन मान लीजिए हमारे पास कोई ये है और फाइनल लाइन हमारे पास ये है, स्ट्रेट लाइन सीधी होती है, ये है हमारे पास, तो इनके बीच की जो मेजरमेंट है, जो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंगल बोलते हैं। तो बेटा ये दो टाइप से होगी, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जब ये बेटा क्लॉकवाइज चला जाए, क्लॉकवाइज कैसे होगी, क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगी, तो क्लॉकवाइज होगी तो ये इस टाइप से यहां मिलेगा, इस लाइन का हम नाम दे देते हैं ए बी सी और इसको नाम दे दिया बी। जो हमारा ये वाले जो है डी ए बी, ये जो मूवमेंट है वो कैसी है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये कैसा एंगल हो गया बेटा, नेगेटिव एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जैसे चलती है उसके अपोजिट साइड में अगर मूवमेंट है तो इसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। तो यहां से आपको एंगल पता चल गया है कि पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और नेगेटिव एंगल क्या करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है। उसके बाद एंगल के बाद एंगल की जो मेजरमेंट है, एंगल की मेजरमेंट है वो हम किस किस में करते हैं, अब से पहले 10th क्लास तक हमने डिग्री में मेजरमेंट की थी, लेकिन इसके साथ साथ अब हमने दो चीजों में और मेजरमेंट पढ़ी थी, एक तो रेडियन पढ़ी थी और एक बेटा ग्रेड पढ़ी थी, लेकिन ग्रेड वाला कुछ यूज कर नहीं है, ना तो हमारे सिलेबस में डाला हुआ है और ना ही ये हमारे इंटरनेशनल सिस्टम पे फिट बैठता है, तो इसलिए ग्रेड को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद डिग्री और रोटेशंस के बारे में हमने जाना। तो डिग्री क्या होती है, एक कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में आपको पता है 360 डिग्री होती है, यानी कि कंप्लीट सर्कल में 360 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया और एक पार्ट पर जितना भी एंगल बन रहा था उसको इन्होंने क्या कहा, 1 डिग्री मेजरमेंट कही। रेडियन, रेडियन कितना है, रेडियन भी बेटा इसी तरह से पूरे सर्कल की मूवमेंट को 2π रेडियन कहा गया, कितना कहा गया, 2π रेडियन। और बेटा पाई हमारा इंसर्ट ही वहां होता है जहां हमारे सर्कुलर थिंग्स इन्वॉल्व होती है। आप लोगों ने देखा होगा पाई के जितने भी जिस भी फॉर्मूले में इंप्लीमेंट हो रहा है पाई, तो वहां पे सर्कुलर थिंग्स है। तो यहाँ पे अगर कंप्लीट सर्कल है तो कंप्लीट सर्कल को जब एंगल की मेजरमेंट में लिया गया तो इसको 2π के इक्वल लिया गया। वैसे रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है व्हेन लेंथ ऑफ आर्क बिकम इक्वल टू द रेडियस देन दैट मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन होता है कि जो एल है वो रेडियस के इक्वल हो जाए। अगर एल रेडियस के इक्वल हो गया तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, एल ओवर आर, R by R यानी कि 1, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन।
वन रेडियन क्या हो गया हमारा बेटा, व्हेन लेंथ ऑफ आर्क बिकम इक्वल टू रेडियस देन दैट मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वन रेडियन। फिर रेडियन और डिग्री में एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में क्या, अब आगे जो भी हम एंगल लेंगे नेक्स्ट हमारा जो भी एंगल लेंगे उनको हम डिग्री मेजरमेंट को छोड़कर हम रेडियन मेजरमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम रेडियन को इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशनशिप पता होना चाहिए, यानी हर डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो देखिए उसके बीच में रिलेशन क्या है वो अभी बता देते हैं। अगर मैं 1 रेडियन देखूं तो बेटा 1 रेडियन रेडियन यहां रह जाएगा, पाई इसके नीचे आ जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। अगर मुझे कभी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहां पर हमने क्या किया था, एक वैल्यू टेबल पढ़ी थी 10th क्लास में, उस वैल्यू टेबल को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, साइन कोस टेन हम तीन का ले लेते हैं, बाकी आप सभी को बनानी भी आती होगी टेबल। एक्स यानी एंगल हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री। साइन 0 पर 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 पर 1/√2 और साइन 60 पर 3/2 और साइन 90 पर 1। फिर ये इसकी रिवर्स 3/2, 1/2 और 0। फिर इन दोनों का डिवाइड टेंजेंट थीटा हमारे इन दोनों का डिवाइड होता है 0/1, 0, 1/0 इनफिनिटी। ये भाई ये डिवाइड करने के बाद 1/3, इसको डिवाइड करने के बाद 1 और इसको डिवाइड करने के बाद √3। बेटा आपको ये पता है, लेकिन अब जो मेजरमेंट हमारी थी डिग्री में, इस डिग्री को हम क्या कहेंगे, रेडियन। रेडियन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 रेडियन। अगर मैं 30 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 30 डिग्री रेडियन कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई 36 का कितना बन जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन के लिए हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 45 डिग्री अगर आप देख रहे हो तो 45 × π/180, अगर 45 फोर जा देखते हैं तो पाई बाय 4, ये इसमें हो गया बेटा पाई बाय 4 रेडियन, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन, और ये इसमें हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। बेटा अब हम जो भी वैल्यू लेंगे वो वैल्यू साइन 30 के बजाय हमें ये रिमेम्बर होना चाहिए कि साइन पाई बाय 6 पर वैल्यू क्या है, साइन पाई बाय 6 पर 1/2, कॉस 1 पाई बाय 6 पर कितना है √3/2। अगर मैं कहता हूं साइन पाई बाय 4 तो आपको पाई बाय 4 पता होना चाहिए 45 डिग्री इक्वल होता है, और फिर वो वैल्यू रिमेम्बर होनी चाहिए कि 1/√2 इसकी जो वैल्यू होती है। इस टाइप से ये जो वैल्यूज हैं, अब बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री में रिमेम्बर ना रखकर आपको किस में याद रखना है इनको, किस में ना रखना है आपको, आपको रेडियन में याद रखना है इनको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिग्री और रेडियस में, रेडियन में, डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप। अगर मैंने कहा कि आपको एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा डिग्री और रेडियन की मेजरमेंट्स में जो हमारी बुक में है, देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। देखो बेटा एक क्वेश्चन है हमारे पास 520 डिग्री, इस डिग्री को हमने क्या करना है, चेंज इनटू रेडियन, चेंज डिग्री टू रेडियन, डिग्री को रेडियन में चेंज करना, और यहाँ पे चेंज रेडियन टू डिग्री, और हमने इसमें रेडियन से डिग्री चेंज करना है। जब हमने बेटा डिग्री को चेंज करना है तो डिग्री को चेंज रेडियन में कैसे करेंगे, पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, 3 6 18, सॉरी 3 से 9 डिवाइड बाय 2 से 2 9 18 226,
इसके बाद हमारा ये रिड्यूस नहीं हो रहा है तो कितना हो जाएगा 26 बाई 9 पाई। इस टाइप से हमारा ये रेडियन हो जाएगा। रेडियन के लिए मेजरमेंट हम सी से भी लिख सकते हैं और हम इसको रेडियन भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। ये तो हो गया डिग्री टू रेडियन। अगर हमें रेडियन टू डिग्री करना है तो रेडियन टू डिग्री कैसे करेंगे, 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए 4 से 4 4 जाए 60, 445 सर। और फिर हम देखें पाई को हम 22 बाय 7 लिख सकते हैं। 22 यहाँ हो जाएगा, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ से 11 2 जाए 20 तो हमारा कितना आ गया बेटा, ये आ गया 7 5 जाए 35 कैरी 3 7 4 जाए 28 और 3 315 बाय 8 डिग्री, इतने डिग्री आ गया। अगर इसको कम्प्लीटली हम देख रहे हैं तो परफेक्टली डिग्री में बनाओ तो 8 3 जा 24 बचा यहाँ पे 7 75 हो गए, 8 9 जा 72 739 डिग्री हमारी कम्प्लीटली हो गई है। उसके बाद हमारे पास 3 डिग्री पेंडिंग है। 3 डिग्री, एक चीज देखो बेटा यहाँ पे जब हम डिग्री की मेजरमेंट कर रहे थे तो हमें पता होना चाहिए जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट के इक्वल होती है और 1 मिनट जो है वो हमारे 60 सेकंड के इक्वल भी होती है। तो मिनट डिग्री के बाद हम इसको मिनट में, मिनट के बाद हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे अगर हमारा वहां तक जाता है तो 3 डिग्री रहेगी। 3 डिग्री में मिनट कितने हो जाएंगे, 3 डिग्री में मिनट हो जाएंगे बेटा 60 से मल्टीप्लाई होकर 180 मिनट बन जाएंगे और 180 मिनट को 8 से डिवाइड करो, 8 2 16 20 8 2 16 22 सेकंड आ गया। फिर कितना बच गया हमारा, 4 बच गया, 4 मिनट बच गया। 4 मिनट के सेकंड कितने हो जाएंगे, 4 मिनट के सेकंड हो जाएंगे 240 सेकंड हो जाएंगे। 240 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 30, 8 3 24 0 की 0। तो बेटा ये जो 11 बाय 16 रेडियन है इसको परफेक्ट डिग्री में चेंज किया तो हमारे पास आंसर आया 39 डिग्री और बेटा 22 मिनट 30 सेकंड। इस टाइप से डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बेटा आपको पता है कि एक सर्कल में लेंथ और रेडियस में एक रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अगर हमारी लेंथ ऑफ आर्क रेडियस से ऊपर या नीचे हो गई मतलब कम या ज्यादा हो जाए तो वो रिलेशन बनता है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। थीटा जो होगा एंगल इन रेडियन और एल होगा लेंथ ऑफ आर्क और आर होगा बेटा रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, इसके बीच में एक रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल और आर का जो रेशियो है वो एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल बताता है किसमें, रेडियन में। अब यहां पे इस पे बेस्ड हमारे एक दो सम है, देखिए वो सम स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल इन रेडियन फ्रॉम विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी है, 75 सेंटीमीटर है और बेटा एंड द ई टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, ये हमें रेडियस, ये हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ पेंडुलम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ पेंडुलम और ये हमें दिया हुआ है आर्क ऑफ लेंथ। जो पेंडुलम है वो आर्क बना रहा है, लेंथ ऑफ आर्क डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है बेटा। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर वाला, किस वाला ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर वाला और ये 75 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल फाइंड आउट करो किसमें, रेडियन में। आपके पास पेंडुलम की लेंथ कितनी है 75 और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 15 सेंटीमीटर। बेटा पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा तो पेंडुलम इस टाइप से ही है, कोई यहाँ पे पेंडुलम लटक रहा है, ये हैंग हुक कर रखा है तो
तो इसको क्या किया इसने, इसने 15 डिग्री की आर्क मेजर की, यहां से लेकर इसने 15 सेंटीमीटर की क्या की आर्क मेजरमेंट की, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया 15, और जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो कितनी है 75 सेंटीमीटर। अगर आप इसका कंप्लीट सर्कल बनाओ, क्या बनाओ, एक कंप्लीट सर्कल बनाओ, तो आपको कंफर्म हो गया जो 75 है वो तो क्या है रेडियस है, और 15 जो है वो क्या है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है। अगर आप देख रहे हैं तो लेंथ ऑफ आर्क यानी एल 15 सेंटीमीटर, और आपके पास लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम कितना हो जाएगा आर, ये कितनी है बेटा आपके पास 75 सेंटीमीटर। तो आपको रिलेशन पता ही है, एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी नो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, अगर थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर है तो थीटा कितना आ जाएगा, एल कितना है 75 सॉरी 15, और आर कितना है 75, 15 बचे 15, 15 5 जा 75, 1/5 रेडियन आ गया। अगर ये हमसे यहाँ पे रेडियन की बजाय डिग्री में पूछे तो हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आता है। प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने किया था 11/16 रेडियन को हमने डिग्री में चेंज किया था, वैसे ही हम 1/5 रेडियन को डिग्री में चेंज कर देंगे। तो इस टाइप से बेटा ये हमारी जो इस टाइप की जो एप्लीकेशन है सर्कुलर थिंग्स में, तो लेंथ अगर रेडियस पर डिपेंड होती है तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर फॉर्मूले में हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा इतना ही था कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना था और डिग्री को रेडियन में चेंज करना था। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि सर्कुलर थिंग्स में हमें रेडियस दे दी जाए या फिर लेंथ ऑफ आर्क दे दी जाए, एंगल निकालना है एंगल दे दिया जाए, रेडियस दे दी जाए, लेंथ ऑफ आर्क हमसे पूछ लें तो हम वो लेंथ ऑफ आर्क बता सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क दे दें, एंगल हम दे दें तो हमसे रेडियस ऑफ सर्कल पूछी जा सकती है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हमारे इसी से रिलेटेड थे। तो यहाँ तक का तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या है बेटा, अभी तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो की हम वैल्यू निकाल रहे थे वो फॉर एक्यूट एंगल के लिए निकाल रहे थे। एक्यूट एंगल के लिए मींस 0 to 90 तक ही हम निकाल पा रहे थे। अब हमारे पास एक्यूट के बाद अगर हम इन एंगल को एक्सटेंड कर दे तो वो एंगल कंप्लीट सर्कल तक हमारा जाएगा, कंप्लीट सर्कल तक जाएगा तो मींस 360 तक जाएगा। तो सभी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो की वैल्यू है वो हमें 360 तक कंफर्म होनी चाहिए कि 360 तक कैसे वेरी करेगी, कैसे हम उनकी वैल्यूज निकाल पाएंगे। ये देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास 92 लेकर 180 डिग्री तक एंगल, और यहाँ पर हमारा 270 डिग्री तक एंगल, और यहाँ पर हमारा 360 तक का। तो बेटा अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री तक एंगल होता है। 90 डिग्री तक का एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स पाई बाय 2। अगर हम उसको रेडियन में चेंज करें तो वो कितना आ जाएगा पाई बाय 2। अगर हम 180 की बात करें तो कितना आ जाएगा बेटा पाई, अगर 270 की बात करें तो कितना हो जाएगा 3/2 पाई, अगर कंप्लीट सर्कल की बात करें तो इसको क्या बोल देंगे हम 2 पाई। अगर हम स्टार्टिंग से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स 0 आल्सो, ये हमारा 0 भी है और 2 पाई भी है। 2 पाई हमारा कंप्लीट सर्कल करने के बाद, और विदाउट सर्कल मूवमेंट क्या कहलाया जाएगा ये 0। तो यहाँ पे देखो बेटा 2 पाई के बाद जब भी कोई मूवमेंट होगी तो वो कहाँ होगी, दोबारा से भी सर्कल बनाएगी। तो इस टाइप से हमारा जो एंगल है वो 2 पाई तक ही हमारा डिफाइंड नहीं है, उसके बाद भी हमारा अगर एंगल है तो हम उसको भी डिफाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें 90 को छोड़कर हमें कंप्लीट 360 तक कंफर्म करना है कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू कैसे रहेगी। अगर आप इसमें देखें तो बेटा इसके लिए ऑल पॉजिटिव रहेगा, इसके लिए हमारा सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दो वैल्यू हमारे लिए पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब हमारे लिए नेगेटिव रहेंगे। उसके बाद थर्ड में हमारे पास टेंजेंट थीटा और कोट टेंजेंट थीटा, ये हमारे लिए पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी क्या रहेंगे हमारे लिए नेगेटिव रहेंगे। और लास्ट हमारे पास क्या है, कोस थीटा और साइक थीटा, ये हमारे लिए क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे।
बाकी की सभी वैल्यूज हमारे लिए क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ से बेटा ये तो हमने आपको एक जनरली वे में बता दिया कि ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगी, ये कैसे पॉजिटिव रहेगी वो देखिए। ये देखो अगर हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस टाइप से, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है ए बी, अगर हमारे पास ये कोई पॉइंट है तो ये हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमारी कोई लेंथ हो जाएगी ए, और ये हमारी लेंथ हो जाएगी कोई बी, और ये हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की बात करूँ, ये हमारा कोई एंगल हो जाएगा थीटा, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की बात करूँ तो इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा रहेगा हमारा, पी बाय एच, पी हमारा कैसा है पॉजिटिव, और ये हमारा कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा, कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं कोस थीटा की बात करूं, कोस थीटा क्या रहेगा बेस, बेस ओवर हाइपोटेनस, ए बाय समथिंग क्या रहेगा हमारे पास, ये भी पॉजिटिव रहेगा। और बेटा टेंजेंट थीटा की बात करूं तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाय बी यानी बी बाय ए, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। जब साइन कोस और टेंजेंट पॉजिटिव है तो बेटा इनके रिवर्स एंगल भी, इनके इनवर्स भी हमारा क्या रहेगा, इनका इनवर्स मीन्स 1 बाय साइन, 1 बाय कोस, 1 बाय टेन भी हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस टाइप से हमारे पॉजिटिव पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे हमारे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अगर कोई भी ट्रायंगल हमारा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में हम बना रहे हैं, किसमें बना रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हम यहाँ बना लेते हैं, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनाते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस ए और बी, माइनस ए और बी का मतलब ये हमारी लेंथ हो जाएगी बी, और ये हमारी लेंथ हो जाएगी ए माइनस, और ये हमारा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस। अगर आप ये देख रहे हैं तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा पी बाय एच, पी कैसा है पॉजिटिव और एच कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो साइन थीटा कैसा है बेटा यहाँ पे पॉजिटिव। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा बी बाय एच, बी बाय एच क्या होगा हमारा बी नेगेटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, और हमने कहा कि साइन और कोसेक को छोड़कर कोस क्या होगा हमारा नेगेटिव। टेंजेंट क्या होगा पी बाय बी, पी पॉजिटिव बी नेगेटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव फिर से नेगेटिव, टेंजेंट भी हमारा यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो साइन हमारा पॉजिटिव था, कोस हमारा नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है, तो साइन का रिवर्स कोसेक भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, कोस का रिवर्स हमारा सेक हो जाएगा, sec हमारा अगर cos नेगेटिव है sec भी नेगेटिव, tan नेगेटिव है तो cot भी नेगेटिव। कंफर्म हो गया बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे sin और cosec ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कैसे रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ तो कोई भी कोऑर्डिनेट लेते ही यहाँ पे क्या आ जाएगी कोऑर्डिनेट की वैल्यू, माइनस ए और माइनस बी, ए की वैल्यू भी नेगेटिव और बेटा बी की वैल्यू भी नेगेटिव। अगर आप पी बाय एच करो तो भी हमारा साइन नेगेटिव आएगा, बी बाय एच करें तब भी हमारा कोस नेगेटिव आएगा, साइन नेगेटिव कोस नेगेटिव, साइन का रिवर्स कोसेक भी है, कोसेक भी हमारा नेगेटिव, कोस का रिवर्स सेक भी नेगेटिव। टेन देखिए, टेन क्या होता है पी बाय बी होता है, माइनस बी बाय माइनस ए दोनों ही नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा कटकर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आने के बाद हमारा टेंजेंट कैसा हो गया पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव है तो बेटा इसका रिवर्स भी हमारा कैसा होगा पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पता चलेगा टेन और कोट भी हमारे क्या है पॉजिटिव है। तो इसी टाइप से हम बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी निकाल सकते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या आ जाएगा कोस और सेक पॉजिटिव आ जाएंगे, बाकी सभी नेगेटिव आ जाएंगे। अब आपको ये तो कन्फर्म हो ही गया है कि इन सभी फोर्थ फोर के फोर्थ क्वाड्रेंट में एक कंप्लीट सर्कल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ में हमारा कोस और सेक पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद जिप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू है किस एंगल पर कितनी वैल्यू होगी वो देखिए आप किस टाइप से निकालेंगे, होगी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम टू टाइप से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को 90 माइनस थीटा, या तो ये लिखा जा सकता है या 2 पाई प्लस थीटा लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ 90 में कुछ भी माइनस करूँ तो भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 2 पाई माइनस करूँ 2 पाई प्लस कुछ करूँ तो वो भी हमारा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 में से कुछ माइनस करो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 पाई प्लस करो वो भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, पाई माइनस थीटा, तो बेटा पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा। यहां पर पाई प्लस थीटा 3 बाय 2 पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा और 3 बाय 2 पाई प्लस थीटा। फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस टाइप से हमारे एंगल वेरी करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पाई बाय 2 पर और 3 पाई बाय 2 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं, ट्रिगो फंक्शन क्या करते हैं, चेंज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। चेंज कैसे होते हैं, साइन का चेंज कोस के साथ होता है, टेन का चेंज कोट के साथ होता है, और कोसेक का चेंज किसके साथ होता है, कोट के कोसेक के साथ, सेक के साथ होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस पर चेंज होंगे, पाई बाय 2 पर और 3 पाई बाय 2 पर। मींस पाई बाय 2 प्लस समथिंग कर दें तब भी चेंज होगा, माइनस अगर थीटा कर दें तब भी चेंज होगा, 3 बाय 2 पाई प्लस थीटा कर दें तब भी चेंज होगा, और माइनस थीटा कर दें तब भी चेंज होगा। लेकिन अगर पाई पर और बेटा 2 पाई पर अगर आप देख रहे हैं, इन दोनों पर हमारा क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नो चेंज। पाई पर भी पाई प्लस थीटा करें तब भी कोई चेंज नहीं, माइनस थीटा करें तब भी कोई चेंज नहीं, 2 पाई प्लस थीटा करें तब भी कोई चेंज नहीं, माइनस थीटा करें तब भी हमारा कोई चेंज नहीं। तो इस टाइप से आपको ये पता चल गया कि इस कार्टेशियन प्लेन में यानी कि हमारे कंप्लीट सर्कल में किस किस एंगल पर हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले बनते हैं, तो उनको रिमेम्बर रखने की बजाय ये कार्टेशियन हमारा पूरा याद रखे तो आप अच्छी तरह से सभी के सभी फॉर्मूले बता पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे साइन 3 बाय 2 पाई माइनस थीटा, सबसे पहले 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 बाय 2 पाई माइनस थीटा मीन्स किस क्वाड्रेंट में, 3 पाई बाय 2 पाई माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहले तो ये देखो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा चेंज होगा या नहीं होगा, यस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, साइन का चेंज किसके साथ, कोस के साथ, कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा हो गया। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव इसके रिस्पेक्ट में बताना होता है, फंक्शन ये था हमारा, फंक्शन साइन था, साइन इसमें कैसा है, नेगेटिव है, तो आंसर भी हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर मैं यही बात कहूं 10 2 पाई प्लस थीटा, 10 2 पाई प्लस थीटा करूं तो 10 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, फर्स्ट तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और 2 पाई प्लस पर चेंज है या नहीं है, नो चेंज, तो टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा ही रहेगा। अगर मैं यहां माइनस लगा देता तो माइनस लगा देता तो टेंजेंट 2 पाई पर कोई चेंज नहीं, टेंजेंट थीटा ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा, नेगेटिव। तो इस टाइप से बेटा आपको ये किसी भी क्वाड्रेंट में अगर आपसे कोई फॉर्मूला बना के पूछा जाए तो वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगे, अपने आप ही उनको डिफाइन कर पाओगे कि कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे चेंज होगा और किस टाइप से चेंज होगा और क्या आंसर का आंसर आना चाहिए। तो 3 पॉइंट सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। 3 पॉइंट सेकंड एक्सरसाइज तो आपने लाइव क्लास में भी बहुत अच्छी तरह से सोल्व की थी, लाइव क्लास में भी बच्चों ने काफ़ी बच्चों ने अच्छे अच्छे आंसर दिए थे, अच्छे अच्छे आपने निकाले थे। तो मैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा 3.2 एक्सरसाइज से। देखिए बेटा 3.2 एक्सरसाइज में देखो बेटा ये दो क्वेश्चन दिए हैं, कोसेक -14/10 और कोट -15/4π, इसका हमने रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्मूले का आंसर बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले तो बेटा हमने बताया था कि डिग्री को आपने क्या कर रहा है, रेडियन में चेंज करना है, तो कोसेक -14/10 को रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन कैसे चेंज हो जाएगा, π/180 में चेंज होते ही 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18
3, 4, 6 यानी कि कोसेक कितना आ गया -47/6 रेडियन, ये इसे रेडियन में चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए बेटा कोसेक, मैं इसको -8π + π/6 लिख रहा हूँ, 8π - 8π + π/6। अगर आप -8π पर देखें तो चेंज होगा या नहीं होगा, -8π पर ये हमारा क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज चलेगा, 1 सर्कल 2π पर, सेकंड सर्कल 4π पर, थर्ड सर्कल हमारा 6π, फोर्थ सर्कल हमारा 8π, -8π हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद समथिंग पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल फिर से हमारा कहाँ चलेगा, एंटी क्लॉक चलेगा, एंटी क्लॉक चलते ही वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबसे पहले मुझे ये बताओ ये चेंज होगा या नहीं, नहीं होगा, यहाँ पर कोसेक थीटा ही रहेगा पाई बाय 6। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा कोसेक पाई बाय 6। कोसेक पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 का रिवर्स, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2/1 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए कोट -15/4π, अगर आप ये देख रहे हैं तो कोट -16π + π/4 लिख सकते हैं, -16 में +1 गया तो -15 ही बनेगा ना, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 16/4 करेंगे तो कंप्लीट पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट पाई में कन्वर्ट होने के बाद -4π, कोट -4π + π/4। अगर ये देख रहे हैं तो हम कोट का कितना हो जाएगा -4π, मतलब माइनस के 2 सर्कल हो जाएंगे, -2 सर्कल होने का मीन्स है क्लॉकवाइज के 2 सर्कल, फिर उसमें कुछ एंगल ऐड करना है तो कोट पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, कोट पाई बाय 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो हमारा कोट पाई बाय 4 रहेगा, कोट पाई बाय 4 10π/4 के रिवर्स, 10π/4 रन होता है तो कोट पाई बाय 4 भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने बेटा 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। उसके बाद फिर हम बात कर रहे थे फंक्शन ग्राफ की, अगर आप लोगों ने ग्राफ के बारे में कुछ जाना है तो ग्राफ देखिए, कल हमने साइन थीटा और कोस थीटा का ग्राफ समझाया था आपको, तो कोस थीटा और टेंजेंट थीटा देखिए बेटा कैसे, हम यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे हमने पाई बाय 6 ले लिया, फिर हमने पाई बाय 4 ले लिया, और फिर हमने यहाँ पे पाई बाय 3 ले लिया, और फिर हमारा यहाँ पे पाई बाय 2 हो। अगर आप यहाँ से देखें तो पाई बाय 6 पर वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 6 पर वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.5, 1/2, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो थोड़ा सा फिर हमारा इंक्रीज होगा, और फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और लास्ट में हमारा 1 तक 90 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 90 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस टाइप से हमारे इंक्रीज करेंगे ये, उसके बाद फिर आप देखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, इस तरह से डिक्रीज होती हुई आएंगी, तो फिर ये पाई पर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे हमारी वैल्यू कैसे जाएंगी, तो इस टाइप से हमारा ये ग्राफ बनेगा, ठीक है बेटा, 0 से लेकर पाई तक हमारा क्या रहेगा, 0, और पाई के बाद फिर 2π पर फिर 0। अगर हम इस टाइप से ग्राफ देखते रहें तो 3π पर फिर 0, 4π पर फिर 0, तो इस टाइप से हमारा ग्राफ ये वेव टाइप का ग्राफ बनेगा। और हमने ये आपका ग्राफ जो है वो एक शॉर्टेस्ट तरीके से बताया था, शॉर्ट तरीके से क्या बताया था हमने कि यहाँ पे 0 ले लीजिए, यहाँ पे 90, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे 2π। तो इस टाइप से ये क्या था, यहाँ पर पाई पर ये हमारा 1 तक चला गया था, और फिर उसके बाद हमारा डिग्रीज हुआ था, तो इस टाइप से आ गया था, और फिर हमारा ये इस टाइप से ग्राफ बन गया था। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई थी बेटा, 1, और मिनिमम वैल्यू जो हुई थी वो -1। तो यहाँ से साइन एक्स अगर आपके पास कोई फंक्शन है, साइन एक्स अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो एस एक्स की तो बेटा मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इस टाइप से हमारा ग्राफ चलता ही रहेगा, इस टाइप से हमारा कोई ग्राफ चलता ही रहेगा, तो हमारा डोमेन क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो एक्स तो मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अगर रेंज की बात करूँ तो बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आया था हमारा, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, -1 से लेकर 1 तक की कंटिन्यूस वैल्यू हमारे पास आ रही है ना, सारी की सारी वैल्यू आ रही है, अगर कोई वैल्यू नहीं आती तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते, छोड़ देते, और अगर सारी आ रही है तो -1 to 1 हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन का रेंज हो जाएगा। अगर मैं साइन एक्स को 0 पूछूं, साइन एक्स 0 कहाँ पर है,
आपका डायरेक्ट आंसर होगा जीरो, लेकिन अब जो हमने आंसर देना चाहिए वो क्या देना चाहिए, एन पाई। क्यों? जीरो पर भी हमारा जीरो, वन पाई पर भी जीरो, टू पाई पर भी जीरो, थ्री पाई पर भी जीरो, फोर पाई, सब पाई पर जीरो होगा, और ऐसे हमारा माइनस पाई पर भी जीरो, और एन क्या होगा हमारा बिलोंग्स टू इंटीजर, एन क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू इंटीजर। तो साइन एक्स जीरो की वैल्यू, जीरो वैल्यू कब रहेगी, साइन एक्स जीरो तो रहेगा एन पाई पर, एक्स बिलोंग्स टू एन पाई, एन पाई जीरो पाई, वन पाई, टू पाई, थ्री पाई, सब पर हमारा क्या होगा ये जीरो होगा। इस टाइम से sin x का आपको पता चल गया, sin x के बाद आपको cos x का ग्राफ ही आप लोगों ने सीखा था। cos x का ग्राफ क्या था, cos 0 पर वैल्यू 1 होती है, तो इसका ग्राफ हमारा यहां पाई पर, पाई बाय 2 पर क्या होगा 0, पाई बाय 2 पर 0 होने के बाद क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2 पर क्या हो जाएगा हमारा फिर 0, और फिर हमारा 2 पाई पर हमारा क्या हो जाएगा ये फिर से हमारा माइनस 1, जीरो पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, और यहाँ पे टू पाई, यहाँ कितना हो गया टू पाई। इस टाइप से हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है, इस टाइप से हमारा ये फंक्शन वेरी करेगा। तो यहां से आप लोगों को अगर फंक्शन कोस एक्स दिया जाए तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू वाइड अप, वाइड अप मीन्स आर क्लब, आर क्लब मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर कितने भी चल सकता है हमारा, कितना भी लेफ्ट में, कितना भी राइट में। अगर रेंज ऑफ फंक्शन की बात करो तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा हमारा, माइनस वन से वन के बीच, ये माइनस वन वैल्यू है और ये वन है। डोमेन और रेंज जो है साइन एक्स और कोस एक्स के बेटा बिल्कुल सेम है, हमारी क्या है वेव ही इसी में बन रही है, उतनी ही वेव उसमें बन रही थी, बट फर्क कितना इतना है, डिफरेंस इतना ही है कि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पूछूं तो बेटा cos x 0 कहां पर होगा, 0, तो आप लोग क्या कहेंगे 2n plus 1 pi by 2 पर, यानी कि pi by 2 पर, 3 pi by 2 पर, 5 pi by 2 पर, 7 pi by 2 पर, उन पर हमारा क्या होगा cos x 0 होगा। बेटा ये याद रखना है आपको, sin x cos x 0 कहां पर होगा, वो जगह आप इनको यूज भी करेंगे तो ये रिमेंबर रहेगा। तो इतना ही पोर्शन हमारा बेटा पूरे वीक में हो पाया था और इसका रिवीजन आज हमने कर लिया है, आप लोगों को ये सारा का सारा पोर्शन समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बचा हुआ सारा पोर्शन करेंगे, टेन कोट का ग्राफ करेंगे, टेन का ग्राफ करेंगे, कोसाइन कोस एक्स भी ग्राफ करेंगे, और फिर उसके बाद फिर उनके कुछ क्वेश्चन है हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करने वाले, फिर वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।